तो फ्रेंड जर्नी की स्टार्ट और शुभारंभ हो चुकी है और अभी हम लोग अपने घर से बाहर आ चुके हैं और जैसा आप देख सकते हैं अभी हम लोग ब्रिज पे हैं और ये हमारी वाईफाई, हाय वाईफाई, ये हमारी हॉटस्पॉट और ये हमारी साली जी हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का मंजर, राजस्थान का मंजर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज का जो ब्लॉग है वो वेरी स्पेशल ब्लॉग है क्योंकि आज हम लोग करणी माता मंदिर जा रहे हैं जो बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर है। तो हम सोचे कि आज क्यों ना माइलेज टेस्ट भी कर लिया जाए। तो हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, किसके साथ करने वाले हैं, विथ डीवी किलर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि जेन्युइन माइलेज टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो अभी हम यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे पेट्रोल पम्प और अपनी टैंक को करवाएंगे फुल। चलिए फ्रेंड। डीवी किलर लगाने के बाद हमने अपना टैंकी को कर लिया है फुल। टैंक फुल हो गया है पूरा, एकदम गले तक हमने भरा है और ये रहा इतना लीटर हमने तेल भरा है। तो किलोमीटर भी आप रीड के देख लो। अब हम देखते हैं डीवी किलर के साथ टैंक टू टैंक का कितना माइलेज मिलता है मुझे। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड ये है हमारा यहाँ का व्यू, ये देख सकते हैं। ये बीकानेर का एक छोटा सा गांव है जिसे हम नालबाड़ी कहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू और मंजर कितना खूबसूरत है, मन को मोह लेता है। और ये हमारी धन्नो जी रेडी टू राइड है। तो चलिए बिना लेट किए हुए राइड का शुभारंभ करते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच के आपको आज करणी माता मंदिर से रूबरू कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय। इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और अभी हम लोग जो है टंकी फुल कराने वाले हैं और हमारे साथ हमारी दीक्षु और हमारी साली जी हैं। और अभी हम लोग माइलेज टेस्ट करने वाले हैं कि जब हम डीवी किलर वापस हम फिट कर देने के बाद गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। और चलिए तो बैक कैमरा ऑन करके आपको हम अभी किलोमीटर दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। तो चलिए बिना लेट किए हुए बैक कैमरा ऑन करते हैं। तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं अभी 26 जनवरी के लिए हमने फ्लैग लगाया था गाड़ी पे और हमने अभी की से ऑन कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अभी कितनी किलोमीटर चली है। अब हम टैंक फुल कराने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं दो इसमें दिखा रहा है और 1764 किलोमीटर हमारा गाड़ी जो है अभी राइड किया है। पिछले बार भी हम जियो से ही तेल भराए थे
और अभी भी हम जियो से ही तेल भरा के वापस चेकआउट करेंगे कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपना टैंक को कराते हैं फुल। अगर आप भी अपने गाड़ी की इंजन की परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हो ना, तो आप हमेशा पावर वाला जो फ्यूल होता है एक्टिव फ्यूल डलवाएं, और हो सके तो जियो से डलवाएं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद महसूस किया है कि जियो का जो तेल है बाकी ऑयल कंपनियों से काफ़ी अच्छा है। और अभी हम जो है टैंक फुल कराएंगे और पूरे गले तक टैंक फुल कराएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और टैंक हो चुका है फुल और कितना हमने तेल भराया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मीटर, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग नोट करने वाले हैं कि कितना लीटर तेल हमारा लगा है टैंक फुल होने में, और किलोमीटर में आपको आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड, हमने टैंक फुल करा लिया है, अब रीडिंग आप देख सकते हो, और बाकी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि हमारा गाड़ी अभी माइलेज कितना दे रही है। फ्रेंड, अब बारी है माइलेज कैलकुलेट करने की। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रीवियस रीडिंग मेरा 1535 था, प्रेजेंट रीडिंग मेरा 1764 है, और टोटल फ्यूल जो कंजम्पशन हुआ है वो 8.12 हुआ है। तो माइलेज का फॉर्मूला ये है, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस कर दो आप, डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजम्पशन कर दो, तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग माइलेज निकल के आने वाली है। फ्रेंड, बिलीव मी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिल से थैंक्स यजदी को कि मेरी जो माइलेज निकल के आई है वो 28.2 लीटर की निकल के आई है, जो काफ़ी ज़्यादा वर्थ है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड माइलेज निकल के आया है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये जितना भी मैंने वीडियो बनाया है वो 100% जेन्युइन है, ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है। तो फ्रेंड, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपके एक लाइक से खूब सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।